बहुत ही शानदार दृश्य बना हुआ है। अब देख सकते हैं ये अपने घर के बाहर का तो गाइस देखो, इस तरह से बर्फ नीचे को चारों तरफ, ये इस तरह की, और ये अपने आंगन में देखो किस तरह से बर्फ पड़ी हुई है, दिखाते हैं आपको। गाइस तो आप देख ही सकते हैं कि कितना खतरनाक, काफ़ी दिनों बाद जो है बर्फबारी हुई है। एक दो दिन से बारिश लगी हुई थी पर बारिश के बाद ये स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। लास्ट ईयर की भी वीडियो लिस्ट में होगी। लास्ट ईयर भी जब स्नोफॉल हुआ था तो मैंने बनाई थी स्नोफॉल की वीडियो, और साथ में मैंने ट्रैकिंग वीडियो भी बनाई थी। चूड़धार का जो ट्रैक था स्नो में, गए थे हम उस चोटी पर जो कि 12,000 फुट की ऊंचाई पर है, और पूरे 4 फुट की बर्फ में हमने वो ट्रैक किया था, कम से कम 36 किलोमीटर का। जिन्होंने वो ट्रैक नहीं देखा है तो उस सीरीज को देख लें, चूड़धार ट्रिक के नाम से जो है, उसमें 5-6 वीडियो पड़े हुए होंगे। तो वो सबसे शानदार ट्रैकिंग हमारी रही थी जो स्नो में हुई थी, 4-4 फुट, जिसमें हम टांगों तक डूब रहे थे। जहाँ पे ताजी बर्फ पड़ी तो वहाँ से कैंसिल करना पड़ा हमें, एट लास्ट में कम से 2 किलोमीटर पीछे से हटना पड़ा हमें। सिर्फ 2 किलोमीटर बचा था चूड़धार पहुँचना, और 2 किलोमीटर पीछे से ही हटना पड़ा क्योंकि कमर तक की बर्फ में चलना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो ताज़ा बर्फ थी और जो पीछे थी वो थोड़ी जम जाती है तो घुटनों तक का तो चल पड़ता है। तो गाइस आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस तो थोड़ा क्लियर होने लगा देखो यहाँ पे इस साइड को, और स्नो अभी बंद हो चुकी है और थोड़ी बारिश लगने लगी है इसमें। तो ये क्या है कि बारिश जो है इसको पिघला देती है जल्दी, अगर बारिश लगे बर्फ के बाद में तो। कहीं कहीं बीच बीच में क्लियर हुआ है, ये ऊपर की साइड को ये खजूर का पेड़। गाइस तो थोड़ी बारिश हो गई बाद में, स्नो के बाद में, जिससे कुछ बर्फ पिघल गई है। अभी क्लियर नहीं हुआ है मौसम पूरा, पहाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही हैं कोहरा की वजह से, पानी भी चल पड़ा है पिघल कर, जो बर्फ पिघल गई है।
यहाँ से कुछ इस तरह का दिख रहा है अभी नजारा। थोड़ा आगे की ओर चलते हैं देखने के लिए किस तरह का खुले से एरिया में जहाँ से ठीक से चारों तरफ दिखे। वो यहाँ पे पेड़ पौधे आ रहे हैं सामने में। झाड़ियाँ कैसी दिख रही है, दब गई हैं नीचे को वजन से। यहाँ से कुछ इस तरह के दिख रहे हैं खेत वगैरह नीचे की ओर। काफ़ी पिघल गई है और पेड़ों के ऊपर से जो है बर्फ़ गिर गई है। अब नहीं तो पहले वाइट ही नज़र आ रहा था चारों तरफ। और गाय जी बस जा रही है बर्फ में सर्वाइव करते। काफी बेहतरीन नजारा। पहले एकदम व्हाइट हो गया था, पिघल गया। तो गाइस इस तरह का डे चला हुआ है आज। काफी ठंड है, स्नो तो बंद है लेकिन बारिश चली हुई है थोड़ी थोड़ी, जो स्नो को खराब कर रही है। और गाइस वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए जो हैं वो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन बजा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। अब पेड़ों के ऊपर से बर्फ गिर रही है पिघल कर। गाइस तो वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर अंत तक। अभी मैं घूम रहा हूँ बर्फ में। गाइस तो कैमरे की बैटरी जो है डाउन थोड़ी होती जा रही है। इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करता हूँ। होप गाइस तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करने, शेयर करें, सब्सक्राइब कर देना नए जो हैं, और कमेंट करके बता देना कि किस तरह का आपको आज का वीडियो लगा। मिलते हैं ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।